माता मंदिर की। इतनी गर्मी यहाँ पे है ना, इतनी दिल्ली में गर्मी है, सेम गर्मी है। आप खाओ। मैं खाऊं। कामाख्या देवी मंदिर। भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसी तो जैसे दिल्ली में नहीं है, अपने 40-42 डिग्री उसके आसपास का टेम्परेचर है यहाँ। चलो चलो चलो, ये कह रही है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और हमारे यहाँ मैं देखो भाई कितने यात्री आए हैं, जनता। अब हमें ऊपर नहीं जाके नीचे की साइड जाना है, और यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे पुलिस वाले बैठे हैं टेंट लगा के, पता नहीं क्यों बैठे हैं, हमें भी नहीं पता। और यहाँ आप प्रसाद ले सकते हैं, कुछ भी लेना आपको, यहाँ भी प्रसाद है और आगे मंदिर है। भाई प्रसाद लेके फिर चलते हैं, जहाँ से हम प्रसाद ले रहे हैं वहीं हम अपने जूते रख सकते हैं, ₹1 की वो है, बिना चार्जेस के। ₹300 का प्रसाद है। इस दुकान से प्रसाद लिया भाई, यहाँ बाहर आते ही की। किले ले गाइस, एंट्री कर ली हमने, ये गेट है, अब ऊपर चढ़ेंगे। सही है, कर दो बात ख्याल चाहिए। मंदिर देखो भाई, ये कोई मंत्री है, मंत्री है वो जो आगे वो उसके साइड में बॉडीगार्ड लगा रहे हैं। देखो ये देखो कितनी आगे गए, लाइन में रहो। आज लाइन में चलो चलो, एंट्री कर ली है। इधर मंदिर है, इधर बाहर जा रहे हैं। पैंट लिखा देगी आप दोनों, एक नंबर गए हो, अपने एक दूसरे का हाथ पकड़े चले जाओ चले जाओ। ठीक है, कट्ठे रहो भागो मत ना, बाबा भाग रहे हैं। हाँ मेरे पीछे ही हैं वे। अब हम तो भाई पहली बार आए हैं, आइए आइए। यहाँ जोत लगा रहे हैं और यहाँ पे मत्था टेक रहे हैं। मम्मी अब जोत वोत तो लगा लो। हम जोत ना लाए। ये रहा भाई मंदिर, चलो चलो चलो। मंदिर बंद है भाई, रुक जाओ। ये लाइन है भाई,
थे वो लोग भाई, एक नंबर के दर्शन हुए हैं, बढ़िया दर्शन हुए हैं। और थोड़ा सा देखो भाई, कष्ट करना पड़ेगा, लाइन में भी लगना पड़ेगा, थोड़ा सा डरो। और बहुत गर्मी हो रही है, चल रहा है इस साइड पे, ऐसे चलो, ऐसे करूँ? बाफ नहीं बोलिए, जय माता की। ये तीन नारियल फोड़ दिया जय माता दी, एक बार में ही फोड़ दिया। ये बाहर जाने का रास्ता है, खुल जाना। तीन बज के 8 मिनट हो गए हैं, फिर हम 1 बजे आए थे, 3 घंटे में दर्शन हो गए। देख लो, ये आने का रास्ता, ये जाने का रास्ता है। आने की तो 2 लाइन बना रखी है और जाने की 1 है, जिसमें से हम जा रहे हैं। भाई दर्शन तो भाई बहुत बढ़िया हुए, मजे आए। अब भाई अनुसंधान केंद्र से जमा दिले उपकृत हो, हमारा त्रिपुरा से क्या थी। क्या ले रहे हो? क्या ले रहे हो? पर्स ले रहे हैं। कितने का? बूझ रहे कितने का देगा? कितने का बताएगा? वैसे 340 का होता है। 450 पर्स भाई, 470 कह रहे थे पर 400 में आके रुक गए। बढ़िया पर्स है, अब भाई चल दिए हैं, दर्शन हो गए हैं और लिमका भी ले लिया है, इसके बिना गुजारा है नहीं। लिमका पियो और चलते रहो। और अब हमें कम से कम 40 से 45 मिनट लगेगी नीचे जाने में, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। तो भाई जैसे चढ़े थे वैसे ही उतरना, अब कर रहे हैं मेहनत। और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी सी भी शुरू हो रही है, 1-2 बूंद लगी, क्या पता नीचे जाएं तो और तेज़ बारिश आ जाए, दिखा देंगे बारिश आई तो। और अब हम ब्रह्मपुत्रा लेक में भी जाएंगे, रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर। क्या हो गया? क्या हो गया? ले ले जा। चलो
कामाख्या माता के दरबार में हम आए हैं यहाँ दिल्ली से, तो आप कुछ बताएंगे इनके बारे में? दरबार में आए हैं हम, आज तो हमारी आज तो 8 दिन हो गया। हम तो बहुत माता की कृपा से बहुत अच्छे हैं, बहुत सुविधा मिल रहे हैं, कोई कमी तो पड़ी नहीं है। कहाँ से आए बाबा? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से? हम भी दिल्ली से ही हैं। हम भी दिल्ली से आए हैं। तो आपको क्या दिन हो गया आए? हफ्ता नहीं, 1 हफ्ता हो गया। तो फिर खाने पीने की सुविधा बाबा? खाने पीने की सुविधा, लंगर फ्री मिलता है आपको? हाँ जी। ट्रेन में आए होगे बाबा? आप दिल्ली से कायम आए जी? ट्रेन पत्र में। कितने दिन से लगे? 4 दिन। 4 दिन आने में देख कितना साफ आ रहा है। देने से लगेगा नहीं, देने से नहीं लगेगा। ये है हमारी माता का घर, तेरा यहाँ पैसा तो लगता नहीं है। हम फकीर, कहाँ से पैसा लाएगा? उनके पास ना आवे, पैसा तो हजारी देता है, हम तो भिखारी है बस। ये बाबा सीट माता को नाम देते होंगे आपको? हमें सीट से क्या जरूरत, सीट की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेन में कोई साधु संत को सीट में नहीं बैठाते। नहीं बैठाते? हाँ, बैठाते ही नहीं है। नहीं, उसमें ट्रेन में कोई किस्म जिसका सीट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसमें नहीं बैठाएंगे। वैसे तो सुविधा होनी चाहिए बाबा, होना चाहिए हमारा। कौन सी जगह है जी ये? कौन सी जगह है? आसाम और आसाम गुवाहाटी का बीच। आसाम आसाम का आसाम में है। आसाम और गुवाहाटी के बीच में है ये नीलांचल पर्वत। फिर कब जाओगे दिल्ली? अब आज ही जा रहे हैं। ट्रेन होगी आज की? ट्रेन होगा, ट्रेन तो रोज आना है। अच्छा, रोज ही आती है? आप तो किसी में भी बैठ जाओगे तो फिर आप जैसे बोलोगे। मैडम ये मैडम माता रानी का देवी जी है, ये मेरी पूछाइए, ये कुछ ना कुछ बताइए माता रानी, बताओ जी आप बताइए। बस मैं पिछला 3 साल से आ रहा हूँ लगातार। हर साल आते हो? इसी टाइम पे आते हो जब ये मेला होता है? हम जब आमपट्टी का मेला होता है तभी आते हैं। आज किसका मेला? मेला किसका है ये? आज तो माँ का द्वार खुला है, आज खुला है। हाँ, अभी 3 दिन बंद था, 4 दिन। हाँ, 3 दिन बंद रहता है। हाँ, उसको बस हम लोग दर्शन करके। तो जी हम भी बड़े भागशाली हैं जो आज आए हैं। आज आए हैं और आज इतने पाए। कल हम भी जा रहे हैं दिल्ली, कल हम भी दिल्ली पहुँचेंगे। हम तो 2-3 बार चढ़ाई कर लिए हमारे गाँव, हमारे गाँव अलीपुर। अलीपुर गाँव है हमारा, बाईपास से करनाल रोड। मेरा घर है मैं श्रीनिवासपुरी के पास। तो गाइस अब हम अपनी गाड़ी की साइड चल दिए जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, और देखो आप जाम देख सकते हो क्योंकि मेला है इसलिए जाम लगा हुआ है दोनों साइड। क्योंकि यहाँ जब मेला होता है तो जाम लग ही जाता है। और अब इसके बाद हम जाएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी में, ठीक है।